कोविड 19 के संक्रमण से बचने के लिए लोकल प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय व्यवस्था और कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला के सभी विभागों को समय समय पर स्थानीय आदेश और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रशासन के सहयोग के लिए NDRF की टीम जिले की प्रमुख स्थानों पर जहाँ जनता का अधिक आने जाने की कार्रवाई होती है, जैसे DM कार्यालय, विकास भवन, हॉस्पिटल, बैंक इत्यादि जगहों पर सक्रिय गलियों और कॉलोनियों से सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को DM कार्यालय, कोविड 19 कंट्रोल रूम, कस्टम विभाग का कार्यालय, आबकारी विभाग का कार्यालय और आदर्श नगर कॉलोनी ऐसे मुख्य जगहों पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई पूर्ण की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए NDRF के इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता ने कहा, इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, 11 NDRF RRC गोरखपुर के। अभी क्या है कि पूरे भारतवर्ष और पूरा विश्व कोविड 19 का संक्रमण को झेल रहा है, तो इसके मद्देनज़र जो गोरखपुर के जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा मूवमेंट होता है, जैसे DM कार्यालय हो गए और अन्य सरकारी ऑफिस हो गए, मॉल हो गए और हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गए, तो इन जगहों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कोविड 19 के संक्रमण को रोका जा सके।